नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप DTW 24 न्यूज देख रहे हैं। आज 29 जुलाई है और अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। आइए देखते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरें। बिहार में आज कोरोना के 2328 नए मरीज मिले हैं। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा 45,919 हो गया है। नए आंकड़े के अनुसार पटना में आज 337 कोरोना मरीज मिले हैं। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने कहा कि परिवार ने अभी तक CBI जांच की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा कि CM नीतीश कुमार के कहने पर FIR दर्ज की गई है और वो चाहते हैं कि पटना पुलिस मामले की जांच करे। वायरल लेटर से बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने की अफवाह उड़ी है। हालांकि IPRD ने इस लेटर को फर्जी बताया है और ऐसी किसी भी सूचना से इनकार किया है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के 11 जिले में 30 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कोसी, गंडक, बागमती, कमला अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसको लेकर लाखों लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कोरोना के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भी जोरों पर है। ड्यूटी करने वाले जवानों से लेकर मतदान कर्मियों को अब 30 लाख का बीमा कवर मिलेगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस बल के जवानों के लिए इलाज के स्पेशल इंतजाम का निर्देश दिया है। गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाने में तैनात एक महिला सिपाही से छेड़खानी का मामला सामने आया है। आरक्षी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह पर महिला सिपाही के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा है। महिला सिपाही ने थानेदार को आवेदन देकर इस पर कार्रवाई की मांग की है। सहरसा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना के विरोध में परिजनों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के पशुपालन कॉलोनी की बताई जा रही है। दरभंगा के DMCH में ऑक्सीजन के अभाव में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह मरीज मधेपुरा का रहने वाला था। परिजनों ने इसको लेकर दरभंगा DM से शिकायत की है। CPI के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनका इलाज पटना एम्स में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं सत्यनारायण सिंह की पत्नी और बेटा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सीतामढ़ी में एक मामले की जांच करने गई पुलिस पर लोगों ने हमला किया है। हमले में पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेश चटर्जी और अजीत कुमार घायल हो गए हैं। इन सभी घायलों को PHC चरोत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना में दो महिला सिपाही भी घायल हुई है। हालांकि पथराव करने के बाद ग्रामीण मौके से भाग गए। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज। और अगर आप हमारे इस न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।